नमस्कार भाइयों और मीनो, बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले यहाँ है FCF 70 और 23 का 1 होता है, बिल्कुल सही है। x² - 7x + 10, नंबर ऑफ जीरोस 3 या क्वाड्रिक है, यानी कि दो ही जीरोस आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। a = 90 sin 90 1 ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, cos 0 की भी 1 है, cos 90 वो भी 0 होता है, तो एक्चुअली ये भी सही है। इसका अभी देखना है, LCM करना है, तो सबसे एक का सबसे बड़ा पावर कौन है, क्यूब है। बी का सबसे बड़ा पावर कौन है, स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। यहाँ देखो 6/2 - 1 3, ये दोनों सेम है, यानी कि पैरेलल समांतर। रूट्स रियल एंड डिस्टिंग, तो सी ये तो कंडीशन बैठे बैठे है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें भैया, 0 - 0 0 होगा, 6 - -2 यानी कि 8 का स्क्वायर 8। हमारा जो पेपर है 80 मार्क है, उसमें 80 मार्क्स आए, टोटल 80 मार्क है, तो 80 मार्क तो एक ही बार आएगा, बिल्कुल सही है भैया। नंबर ऑफ जीरोस या दो में इंटरसेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है। ABC यानी कि X कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो एक्चुअली वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन ही फाइंड करते हैं हम। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका 1 आंसर आता है। टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। आपके पास एक फिगर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली आंसर क्या आता है। ए बी है 7, बी सी है 3, सी डी है 4, तो एडी पता नहीं, सामने का एडिशन होता है, 7 + 4 + 3 + AD, ये 3 को इस तरह भेजो तो 11 - 3, तो AD इज इक्वल कितना आया, 3, तो A 8 आया, सॉरी, तो हमारा आंसर क्या है, 8। लेंथ ऑफ द माइनर के भैया ने भी सही किया है, π/θ 180। रेडियस ऑफ सर्कल डबल, रेडियस को डबल करो, तो हमारा जो 2 × 4 π/r² एरिया कितना होगा, 4 × 4 = 4 times। तो हो गए भैया MCQ, तो ये हो गए, तो आपका राइट होगा। इसके जीरोस क्या हो गए, x कितने बार है, 2 बार है, 8 के 2 पार्ट कीजिए, 4 × 2 = 4, या एक बार प्लस एक बार माइनस। मुझे लगता है इससे इजी पेपर हमारे लाइफ में नहीं देगा। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, सही बात है। देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बोला है x - 2, इसका जो रिमाइंडर है वो 3, एकदम एग्जांपल है। मेरे ख्याल से ये सम गिनना बहुत इजी है, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, बहुत इजी है। क्वाड्रिक पॉलीनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन रिस्पेक्टिवली, तो इजी है, x² - α + β, x + α β, यहाँ -1/4x - 1 डेज 2 2, देख लीजिए भैया, 4 बार रख दो, k/4, 4x² होगा, LCM -4, और इसमें k is equal to k समझ लो, तो 4x² - 1x - 4, ये क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, ये बिल्कुल इजी है। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3,
थ्री डिजिट नंबर, नंबर डिजिट होना चाहिए, तो डिविजिबल बाई 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102 है, देख लीजिए, यस 102 है। लास्ट नंबर कौन सा होगा, 99। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया, ये लास्ट है और ये है फर्स्ट, तो इसका डिफरेंस तो 3 आएगा, एन ए प्लस एन माइनस 1d 999, फर्स्ट टर्म 102, 3, 102 माइनस करो इसमें से, 7, 9, 8 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा, 3 2 6, 9 2 299 प्लस 1 कितना आएगा भाई, 300 आएगा, बिल्कुल इजी है ये तो, सबसे इजी भैया, ए 1 कोस 30, कोस 30 कितना होता है, कोस 60, करोड़ 3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ए भी 3/4 कैंसल, तो हमारा आंसर आया 2। इसमें एक्यूट फाइंड क्या करना है, ए बनना है, तो भाई कोस 90 माइनस 3 है, कोस ए माइनस 26, चलो भाई कोस कोस कैंसिल, 3 एक उस तरफ भेज दो, ए कितना है 26, इस तरफ जाने दो, ए 4 ए हो जाएगा, 116/4, तो ए इज इक्वल कितना आ जाएगा भैया, 29। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, विच डिस्टेंस बिटवीन, ए भी भाई बहुत इजी है मेरे ख्याल से, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है PQ का डिस्टेंस 2 - 10 -3 - y का स्क्वायर कितना है, 100 64, इसका माइनस निकाल दीजिए भैया, उस तरफ भेज दीजिए, दो वैल्यू आ सकती है ऐसे, तो भेज दो वैल्यू, प्लस रख दे 36 3 प्लस y स्क्वायर, मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर करो तो 6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तो एक बार जाओ तो एक y इज इक्वल 3 आएगा, एक बार जाओ तो भाई y इज इक्वल टू माइनस 9 आएगा, दो आंसर आते हैं भैया, भैया 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 भैया। अभी आप बात करें, 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है विद 45 डिग्री है, ये चिमनी बहुत इजी है, बीओ तो 10 45 करो, वाई बाय 28.5, ए वन है तो y इज इक्वल 28.5, इसे चिमनी की हाइट मांगी है तो पूरी हाइट 28.5, 1.5 यानी 30 मीटर, बहुत इजी था, तो 30 मीटर आंसर आता, कितना पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इजी है भैया, इजी है, सेंटर ए 25 ए 24 तो ए 7, आपकी रेडियस 7 मिलेगी, ए 110 है तो पी टी क्यू क्या होगा, ए 90 है, ए 90 है तो ए 70 होगा, 70 इज द राइट आंसर। एज ऑफ द क्यूब 5, TSA यानी कि 6 5 स्क्वायर 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म,
बहुत इजी था ये, मेरे ख्याल से इजी था, बाकी तो सोचा नहीं। एक चीक पेपर एक्चुअली आप पास आराम से हो सकते हैं समझिए तो, बाकी नहीं समझना तो कुछ नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला बताना है, अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस TS यानी कि मेरे ख्याल से 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर 2πR H प्लस R, बस इसका फॉर्मूला है। X बार इज इक्वल टू A यानी 30 माइनस 26 बाय 30 A 28 आंसर आएगा। बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, बहुत इजी पेपर निकाला है। सो आराम, जिसको पास होना है वो आराम से हो सकते हैं। थोड़े से 5-6 चैप्टर कर लेते हैं। ये भाई ने जो लिखा है 2 टोटल 9 है, 2 बाई 9 राइट है, नॉट रेड यानी कि 5 बाई 9 ये भी राइट है, वेरी गुड। बराबर, दो सेक्शन है, आगे के दो सेक्शन बाद में करवाता हूँ।